जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलटर्स नेक्स्ट डोर। अब शायद ये अप्रैल का महीना है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे और घरों की इन्वेंट्री ना बहुत मुश्किल से मिल रही है गुड़गांव में, स्पेशली अच्छे बने हुए घरों की। अच्छे बने हुए घरों से मेरा मतलब ये होता है कि लोकेशन बढ़िया हो, सामने रोड चौड़ी हो, स्पेसिफिकेशन अच्छे हों, लेआउट सही हो और वास्तु कंप्लायंट भी हो। बहुत तलाश करने के बाद मैं इस फ्लोर पर आज आपको लेके जाने वाला हूँ। पहली बात तो फॉर ऑल यू सिंगल लेडीज़, द बिल्डर इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट लुकिंग चैप एंड वेन एवर यू आर कमिंग इन फॉर द नेगोसिएशंस मेक श्योर यू पुट ऑन योर बेस्ट ड्रेस। कमिंग बैक टू द हाउस, बिल्ट ऑन अ 418 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, दिस वन इन सी ब्लॉक ऑफ सुशांत लोक इज बिल्ट ऑन एन 18 मीटर रोड विद अ ग्रीन बेल्ट राइट इन फ्रंट ऑफ इट। अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज फ्रॉम योर हाउस, घर अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, रोड के सामने जगह है, सामने कोई घर नहीं आने वाला, ऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज नहीं होने वाले। 4 बेडरूम, 5 वॉशरूम, ऑल इटालियन मार्बल, पीयू फिनिशेस इन द कबर्ड। काम ऐसा है कि आपको देख के घर देखने का मन तो करेगा ही। अब आपको एक अगर अच्छी बात मैं ये बता दूं कि प्राइसेस यहाँ क्रेजी नहीं हो रहे बाकी जगहों की तरह। सुशांत लोग ए ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड सर्टन पॉकेट्स ऑफ सी ब्लॉक आर स्काई रॉकेटिंग इन टर्म्स ऑफ द प्राइस। दिस वन इज अ वेरी फेयर आस्क ऑफ 5.50 फॉर द टॉप फ्लोर, 5.55 फॉर द टॉप फ्लोर एंड इज नेगोशिएबल। तो कम नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी गिव यू अ लिटिल आइडिया अबाउट दिस फसाड। सो द फसाड इज एन ऑल एल्यूमिनियम फसाड एंड व्हाट डज एन ऑल एल्यूमिनियम फसाड डू बेसिकली, मतलब आप लोग कुछ लोग सोचते हो गए ये लकड़ी है, लेकिन गाइज दिस इज एन एल्यूमिनियम फसाड। व्हाट दैट डज इज दैट यू नो यू डोंट हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द फसाड, इट रिमेन्स वेदर प्रूफ। अब वेदर प्रूफ से क्या मतलब है, अगर लकड़ लगी होती, बारिश पड़ रही होती तो फटने लगती, राइट, कलर जाता। एल्यूमिनियम के फसाड्स में क्या होता है, ना पेंटिंग की दिक्कत है, ना आपके डेंटिंग रस्टिंग की दिक्कत है। सो दिस इज़ अ वेदर प्रूफ फसाड, स्टेज विद यू फॉर से अ डेकेड, इफ नॉट अ डेकेड फॉर एटलीस्ट 7-8 ईयर्स। नाउ बिकॉज दिस इज़ अ 418 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, व्हाट यू विल नोटिस इज दैट एवरी इंडिविजुअल फ्लोर हैज़ एन इंडिविजुअल ब्ले। गाड़ी निकालने के लिए आपको किसी और से चिक चिक ची चू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए 4 दरवाजे हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं, गाड़ी आराम से पार्क करिए, अंदर लेके जाइए, लगाइए। रात को दारू पी के आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का है, किसी से चिक चिक नहीं होगी। ये पेडेस्ट्रियन डोर है, स्टिल्ट की अभी फिनिशेज आ रही हैं, बट आई ऑलवेज टेल यू अ बिल्डर हु स्पेंड्स मनी ऑन द स्टिल्ट इज़ अ गुड बिल्डर। ये देख लो काम किस प्रकार का किया हुआ है, चकाचौंध करने वाली लाइटिंग लगा रखी है, जब साफ हो जाएगा फॉल्स भी देखो एक बार, स्टिल्ट में भी फॉल्स कर रखी है। This shows attention to detail. Boss, the devil lies in the detail. कभी भी घर देखने आते हो ना, ये बाहर की चका चौंध में मत जाया करो, फाइनर चीज़ों को देखा करो, फाइनर पॉइंट्स को देखा करो। 4 सबमर्सिबल टैंक्स मिलेंगे आपको यहाँ स्टिल्ट पे, सर्वेंट क्वार्टर मिलेगा। सर्वेंट क्वार्टर में नहीं दिखा रहा, पहले घर देख लो, समझ में आएगा, फ़ोन करना, आ जाना। वीडियो में बने हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो जस्ट वेक अप एंड फकिंग लाइक द वीडियो गाइज। अच्छा फिनिश नहीं है तब भी दिखा रहा हूँ, यहाँ ना आपकी लिफ्ट के साथ पत्थर का काम किया हुआ है, तो मतलब क्या है ना, कंजूसी करने के लिए बहुत ऐसी जगहें होती हैं वेयर बिल्डर्स कैन कट कॉर्नर्स, यहाँ पे वो नहीं किया हुआ है। ऑल्सो योर लिफ्ट इज़ यू नो की कार्ड सपोर्टेड एंड कोड सपोर्टेड, सो हर फ्लोर के लिए एक स्पेसिफिक कोड होगा, अगर आपके पास वो कोड होगा तभी आप उस फ्लोर पर जा पाएंगे। चलिए ऊपर लेके चलता हूँ आपको। पॉली कैप की वायरिंग कर रखी है, पता क्या है, घर तो सारे अच्छा बना देते हैं, ऊपर से चमका देते हैं, लेकिन अंदर की वायरिंग वगैरह का पता ही नहीं लगता। डडलानी जी वेरी प्रोफेशनल बिल्डर, ग्रेट जॉब इज डन इन द प्रॉपर्टी, आई बीन वेटिंग टू कवर इट फॉर अ रियल लॉन्ग टाइम। पॉली कैप की वायरिंग है, क्रैप ट्री के आपके स्विचेज हैं, और अब येल का दरवाजा मैं खोलते हुए लेके चलता हूँ आपको घर के अंदर। आ जाओ, चलो आओ आओ घर के अंदर आओ। आज वन फ्लो में ही शूट करने का मन हो रहा है, नवरात्रे का पहला दिन है, पता नहीं आप ये वीडियो कब देखोगे। जय माता दी, हर हर महादेव, मे दी गॉड ऑल माइटी ब्लेस यू। 11th को ईद है, ईद मुबारक मेरे सारे मुसलमान भाइयों को, गुड़ी पड़वा, चैत्र नववर्ष, सबकी शुभकामनाएं आपको। भगवान आपके जीवन में खुशियाँ बरकरार रखे। स्टैंडर्ड स्टाइल में फ्रंट ऑफ द हाउस ईस्ट फेसिंग में पहले आता है आपका ड्राॅइंग रूम। ड्राइंग रूम शानदार है, लाजवाब है, उसके राइट हैंड साइड पे आएगा आपका बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 से बाहर निकलोगे तो आएगा आपका बेडरूम नंबर 2। कॉर्नर्स पे कमरे हैं, पब्लिक एरिया सेंटर में है।
फिर बाहर आओ, आपको आपकी लाउंज स्पेस दिखती है, ये बहुत बढ़िया लाउंज और डाइनिंग स्पेस है, साथ में मंदिर बना रखा है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आपका मंदिर है गाइस, वास्तु कंप्लायंट घर है, ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आपका दरवाजा आएगा। ये एरिया डाइनिंग के लिए कोऑर्डिनेटेड है, साथ में आता है किचन, एल शेप्ड किचन है, ब्रेकफास्ट काउंटर दे रखा है, बाहर क्लीनिंग के लिए एडिक्वेट जगहें दी हुई हैं। फिर आता है बेडरूम नंबर 3 और उसके बाद आता है बेडरूम नंबर 4। देखो जी, घर आपको बहुत दिखाते हैं लेकिन घरों को दिखाते हुए आपको हमेशा बताते हैं कि घर के आगे पीछे क्या है वो देखो, पहले तो इस घर की डेप्थ देखो आप, और सामने देखो हरियाली दिख रही होगी, तो घर के ड्राइंग रूम से दिखने वाले हैं आपको ये नज़ारे, आपके घर के सामने कोई घर नहीं आने वाला है। पता है आपको पार्क फेसिंग घरों की आजकल प्राइसेस ऐसे बढ़ गए हैं, इसका कारण क्या है कि पार्क फेसिंग जो प्लॉट्स हैं ना उनके प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, एंड हम लोग सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गुड़गांव में प्लॉट के प्राइसेस रुकेंगे, लेकिन प्लॉट के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए, मैं ना कुछ घर देख के ना वाइब किलर आती है, आज इस घर को देख के वाइब किलर आ रही है, क्यों? आई लाइक दीज लॉन्ग इलोंगेटेड लेआउट्स। व्हाट दे डू इज व्हेन समवन कम्स इनटू योर हाउस दे गिव अ एब्सोल्यूट फीलिंग ऑफ ग्रैंडियर, मतलब जगह ही जगह है ना। सोचो, मैं क्रिकेट खेलता था बचपन में, अगर मेरे पास एक घर होता तो वहां से कोई बॉलिंग कराता और मैं बैटिंग कर लेता आराम से। तो ये ड्राइंग डाइनिंग जो स्पेस है ना आपकी 850 फुट की, आपको ऐसे खुली चौड़ी स्पेस दे रखी है। लेट योर क्रिएटिव जूसेस फ्लो, जैसे आप सोचना चाहते हैं वैसे सोचिए। मैं आपको बिल्डर और अपना नजरिया जो मुझे सबसे ऑप्टिमम लगता है वो बताता हूं, ठीक है जी। तो ये जो स्पेस है ना मेरी, ये वाली स्पेस, इसको मैं बनाता अपना टीवी लाउंज, राइट। मैं ये ऐसा इसलिए करता क्योंकि मुझे टीवी देखने का बहुत ज्यादा शौक है। यहां लगाता मैं एक दो लेजी बॉयज, यहां लगाता मैं एक एल शेप्ड सीटिंग, यहां लगाता एक और एल शेप्ड सीटिंग, बीच में करता पार्टीशन, वहां लगता मेरा 80 इंच का टीवी, विराट कोहली की सेंचुरी वहीं देखते, मजे ही मजे, ठीक है। फिर आ जाओ डाइनिंग एरिया पे, इस एरिया में मैं बनाता अपना डाइनिंग, मेरा 6 से 8 सीट का डाइनिंग टेबल यहां लग जाता। ये जो वॉल है इस पे मैं कर्व्ड ऐसे कटलरी क्रॉकरी रैक्स लगाता जो एस्थेटिकली मेरे आर्चेस के साथ सही लगती, यहां लगाता मैं अपनी कटलरी क्रॉकरी रैक। अगर मुझे एक बार प्लेस करना होता तो उस दीवार पे सामने इस वाली पे मैं अपना एक बार भी प्लेस कर सकता था। तो ये हो गया मेरा लाउंज एरिया, यहां लग गया मेरा ऊपर बार काउंटर डिस्प्ले, यहां मेरा किचन है, यहां मेरे लेजी बॉय सोफा है, टीवी है, फिर आ गया मेरा डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के साथ मेरे पास है एक पूजा स्पेस, पूजा स्पेस है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, मतलब इससे बढ़िया क्या चाह सकते हो आप, कि आपकी एंट्री नॉर्थ ईस्ट की, प्लॉट ईस्ट फेसिंग, सुबह सूर्य देवता घर को चुंबन देंगे, और ये आपका पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में। अब आ जाओ फॉर्मल ड्राइंग एरिया में, यहाँ पे हमने बिल्डर ने स्मार्टली पार्टीशंस का आइडिया दे दिया ताकि आपको पता लगे दिस इज द फॉर्मल डाइनिंग फॉर्मल ड्राइंग स्पेस। 300 फुट की जगह है, आराम से आप यहाँ सोफा सेटअप कर सकते हो, बहुत प्यार से आराम से 30 लोग बैठ सकते हैं। साइड शैंडलियर्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फॉल्स सीलिंग आपके शानदार तरीके से करी हुई है, मैग्नेटिक लाइटिंग के लिए स्ट्रिप्स लगा रखी हैं, थ्रो लाइटिंग दे रखी है, VRV एयर कंडीशनिंग है पब्लिक एरिया में, टीक वुड का काम किया हुआ है छतों पे, ठीक है ना जी। इस घर में सब कुछ लाजवाब है। अब आपके पब्लिक एरिया के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है आपके घर का किचन, आ गए आप किचन के अंदर, हॉब चिमनी माइक्रोवेव ओवन काफ का तो दे ही रहे हैं। What do I always tell you about kitchens? Triangular setup. Triangular setup यहाँ पे भी है, वहाँ लग रही है सिंक, यहाँ लगेगा फ्रिज, ये आ गई आपकी हॉबन चिमनी। मॉडुलर किचन है, बेज फिनिशेस में बनाया हुआ है, बहुत सटीक है। अब बहुत सारे लोग पूछते हो सर्विस एरिया कहाँ होगा, सर्विस एरिया कहाँ होगा, हेलो जी कनेडा आ रहे हो, दिल्ली आ रहे हो, सर्विस एरिया यहाँ आ गया। तो ये आपका सर्विस एरिया है, यहाँ पे वेट पॉइंट के लिए ये देखो आपको 2 ठूंगियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे लगेंगे आपके वेट पॉइंट्स, यहाँ आप अपनी क्लीनिंग ड्राइंग सब कुछ कर सकते हो। अब किचन के अंदर जो स्टैंडर्ड सामान होता है, सैमसंग आईरेक्स की किचन है, फुली मॉड्यूलर, पैंट्री शैंट्री सारा कुछ हैगा है, तुहानू पता ही है ऐसी चंगी चीज़ दिखाने होने हैं। दिस बिकम्स योर स्मॉल ब्रेकफास्ट काउंटर, सुबह यहाँ बच्चों को नाश्ता करा सकते हैं। पब्लिक एरियाज आपने देख लिए हैं, पब्लिक एरियाज में एक पार्ट है वो है आपका पाउडर वॉशरूम। पाउडर वॉशरूम डोर सेट के इस बहुत ही किलर दरवाजे से गार्डेड है, किलर हैंडल से गार्डेड है, दरवाज़ा डोर सेट का नहीं है, हैंडल्स डोर सेट के हैं।
अभी यहाँ लाइट नहीं चल रही तो इसलिए आपको नहीं दिखा रहा, चलो आपको लेके चलता हूँ आपके कमरों के अंदर। कमरे के अंदर आ जाइए। कमरे में क्या चाहिए होता है हमें, हमें चाहिए होती है पैनलिंग, बिस्तर लगाने की जगह, एक सोफा सेट की जगह। तो यहाँ पे सब कुछ है। आपका किंग साइज बेड लगने के बाद आपको 6-6 फुट की तीन फुट की जगह दोनों साइड पे एडिशनल मिलेगी। वहाँ पे आप स्टडी टेबल, सोफा सेट ही लगा सकते हैं। इन्होंने बिल्डर ने पैनलिंग बहुत खूबसूरती से करी है, तो आप आर्टिफैक्ट्स, अपनी बुक्स, अपना जो भी सामान है वो रख सकते हैं। ये दरवाजे देखिएगा जरा गौर से, ये टोस्टैम नाम की कंपनी के दरवाजे हैं। ये एक दरवाज़ा 130,000-140,000 रुपये से कम का नहीं आता, जो क्वालिटी इन्होंने लगाई हुई है। ये 3.5 लाख रुपये का केवल दरवाज़ा है गाइज। क्रैपट्री के स्विचेज हैं, पूरा मतलब पुख्ता काम किया हुआ है। डाइकिन के एयर कंडीशनर्स हैं, ये भी VRV हैं। आइए बाथरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर आएंगे आपको दिखेगी अपनी PU फिनिश में कबर्ड्स। मतलब इतना किलर काम कर रखा है ना कि पीयूष भाई के हाथ चूमने का मन कर रहा है। इट लुक वेरी गे एंड ही विल हेट इट, बट क्या कहूँ। आइए बाथरूम के अंदर, आपके कोलर के सारा सैनिटरी वेयर है एंड ब्यूटिफुल सलेक्शन। वेट एंड ड्राई एरियाज है, सेपरेट पत्थर का काम हुआ हुआ है, रेन शावर लगा हुआ है। सुबह बढ़िया नहाइए, घर से निकलिए, दिन की शुरुआत A1 कीजिए। ये जो लंबे घरों के लेआउट होते हैं ना, इसमें कॉर्नर्स में रूम्स होते हैं। तो मैं और मेरे बैचमेट से गेम खेलते थे फोर कॉर्नर्स नाम की, अगर कोई देख रहा है तो फोर कॉर्नर्स याद कर लेना गाइस। सो कमिंग बैक टू द सेकंड रूम, ये आपकी एक्टिवेटेड चारकोल की शीट लगी हुई है, साथ में ग्लास पैनलिंग का काम किया हुआ है। ये शैंडलियर स्टाइल इन्होंने दे रखा है, कमरों के साइड पे हर जगह लाइटिंग लगा रखी है। यहाँ लगेगा बिस्तर, सामने आएगा TV। 240 फुट का आपका कमरा है, 6 फुट वाइड बालकनी आपकी सामने है। इस कमरे में कबर्ड्स पहले तो बाहर हैं आपके बाथरूम के, ये आपकी कबर्ड्स हैं, PU फिनिश में कबर्ड्स हैं। दरवाजे हैंडल इतने स्टर्डी हैं कि आएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। बाथरूम ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अकेले ही देख के आ जाएं इसको। वेट एंड ड्राई एरियाज आर सेपरेट, दो कमरे आप देख चुके हैं। देखिए हमेशा ना घर लेते हुए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, एक वेंटिलेशन का, दूसरा सनलाइट का। ये घर आपका प्योर ईस्ट फेसिंग है, सनलाइट की आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपके घर के 30 मीटर आगे कोई घर नहीं है तो वेंटिलेशन आपको अच्छी मिलेगी। आ जाइए बेडरूम नंबर 3 के अंदर। बेडरूम नंबर 3 है, 220 फुट का कमरा। हर कमरे में एक चीज़ की खासियत है कि पैनलिंग कर रखी है, इंटीरियर्स पे खर्चा कम होगा। यहाँ बिस्तर, सामने TV, वॉक इन वार्डरोब यहाँ पे हमको प्रोवाइडेड है। वॉक इन वार्डरोब के साथ साथ आपका थोड़ा लेंथी वॉशरूम है। वॉशरूम के बाहर भी नज़ारे क्या आ रहे हैं, मतलब आई एम अज्यूमिंग यू वुड वांट टू कवर इट, बट अगर ओपन एयर ऐसा वॉशरूम हो, मुझे तो गोवा की याद दिला देते हैं ना, दैट यू नो टेक अ शावर अंडर द सन। अच्छा, गोवा का कॉन्टेंट देखना चाहते हो क्या? गोवा में कुछ विलास, कुछ लैंड पार्सल देखना चाहोगे? अगर देखना चाहोगे तो प्लीज़ मुझे बताओ। ऑल्सो मुझे पता है आप बहुत सारे ब्रोकर भाई हमें यूट्यूब पे देखते हैं, अगर आपके पास अच्छी इन्वेंट्री है तो प्लीज़ मुझे रीच आउट करिए। अच्छी इन्वेंट्री इंडिया के किसी भी पार्ट में हम शूट करेंगे, हम चाहते हैं अच्छे ब्रोकर से कोलैबोरेट करना। चलिए ये बात बाद में करेंगे, आ जाइए अपने मास्टर बेडरूम के अंदर। आपका मास्टर बेडरूम है कुछ 320 फुट का कमरा, कमरे में स्पेस की कोई कमी नहीं है। सेटी टेबल सोफा लगने के बाद भी यहाँ 2-2 फुट की जगह आपको मिलने वाली है। इसके बाद आ जाइए इसके बाथरूम में, बाथरूम की तो बात ही कुछ और है। बढ़िया सा टब लगा रखा है, यहाँ पे आप बैठ के वाइन डाइन फन शन नहा शहा सुन सकते हो। उप्स, नॉटी हो गए, नेचुरली नॉटी हो जाते हैं। तो यहाँ आप नहा सकते हो, ये आपका फुल लेंथ रेन शावर दे रखा है। यहाँ अभी आपको थोड़ा कवरिंग देंगे। वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट है, कवर्ड कमरे के अंदर है। पूरे घर में इटालियन मार्बल है, पीयूष भाई बहुत अच्छे बिल्डर है, लोकेशन अच्छी है, गोल्फ कोर्स रोड से एक्सेस पास है, सब कुछ बढ़िया है। 418 गज पे बना हुआ, ये ईस्ट फेसिंग नॉर्थ ईस्ट दरवाजे का घर, 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का है। पूरे घर में इटालियन मार्बल यूज हुआ हुआ है, PU फिनिशेस हैं आपके कबर्ड्स में, मॉड्यूलर किचन है, कबर्ड्स के अंदर पत्थर का काम है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, भगवान जी का कमरा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और सन 2021 का भी पहला दिन है जब मैं शूट कर रहा हूं। तो विशिंग ऑल यू ब्रदर्स अ हैप्पी न्यू 2021। दिस इज चेतन कौशल सिंह, जय हिंद एंड बाय बाय फॉर रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। घर के सैलियंट फीचर्स तो आपको बता ही चुका था, बाय बाय बोलने से पहले सोचा ये अंडर कंस्ट्रक्शन टेरेस और दिखा दूँ। पहले तो घर के नज़ारे देख लिए ना, घर के सामने कोई घर नहीं आने वाला, हरियाली दिखेगी। अगर एस्पिरेशनल हो तो यहाँ से कमिलियाज भी दिखता है, अपनी छत पे खड़े होकर ये सोचना कि कब आप कमिलियाज ले पाओगे। और सागर की बॉटी इंडिका नहीं चलाएगी यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ मर्सिडीज वाले आएंगे। अब ये टेरेस अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको क्यों दिखाने आया हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ये टेरेस आप अपने सपनों की टेरेस बना सकते हैं, इसको अपने मन से कस्टमाइज़ करा के। वो आपका बार है,
अब उस बार पे ना, अगर आपको विराट कोहली पसंद है या आपको जॉन लेनन पसंद है या आपको मेटालिका पसंद है, तो मेटालिका के कलर की टाइल्स भी आ सकती हैं वहाँ पे, यू नो. गेटिंग माई पॉइंट, टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन इज गोइंग प्लेसेज एंड दिस इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन टेरेस दैट यू कैन गेट टूडे. यहाँ पे परगोला सीटिंग, एक वाटर बॉडी, मल्टीपल सीटिंग स्पेसेस के लिए जगह छोड़ रखी है. ये टेरेस यूनिट 5.5 CR की आस्किंग प्राइस रखती है. आज साल का पहला दिन है 2081 का. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जय श्री राम बोलिए, नीचे दिया हुआ नंबर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और मुझे कॉल कर लीजिए, क्योंकि ये टेरेस आपकी अपनी टेरेस हो सकती है.